हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश गुर्जर। और कल जो है कजाकिस्तान से हमारे भारतीय चार स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं एक साथ व्हाट्सएप पे, और हमारी जो बात हुई वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। कजाकिस्तान थर्ड ईयर के बाद वो फोर्थ ईयर के लिए गए थे, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट लाओ और आपको सेकेंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। ऐसी दुविधा में वो फंस गए हैं कि अब क्या करें। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके स्कैन कॉपी के बेस पे आपको जो है इवेल्यूशन कर सकती है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी देश की हो। वो कंपेरिजन करती है कि भाई कितने आवर्स, कितने ईयर्स, कितनी क्रेडिट आवर्स, कितना मार्क्स आए आपके, वो सारी चीज़ें लिखी होती है ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, और उनकी जो सिस्टम है उसके साथ कंपैरिजन होता है, और एज़ पर दैट वो बताते हैं कि आपको कौन सी ईयर में स्टडी के लिए एडमिशन मिल सकता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट में आप फ्यूचर में कोई भी कंट्री में स्टडी करने जाए, ट्रांसफ़र ले, तो आप उनसे एक ऑफिशियल लेटर आपके नाम से ही मंगवाइए कि वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी आपको कौन से ईयर में एडमिशन दे रही है, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि यहाँ से जो भेजने वाले लोग होते हैं, जो ऐसे हम भी है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि अपने स्वार्थ की वजह से वो रियलिटी, फैक्ट नहीं बताते हैं, और आप वहाँ पहुँचते हो तब जाके पता चलता है कि आपको फोर्थ नहीं, आपको थर्ड में मिल रहा है, आपको थर्ड नहीं, आपको सेकेंड में मिल रहा है। यानी कि आपका एक ईयर, एक साल वेस्ट हो रहा है, पैसे लगने वाले हैं, एनर्जी, फिर से स्टडी करना पड़ेगा एंड ऑल द थिंग्स। सो नंबर वन, ये बात याद रखनी है। नंबर टू, जो बात याद रखनी है वो ये है कि आप स्टडी किसी भी इंस्टीट्यूट में तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डीन ऑफिस में जमा करवाएं, वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के साथ मैंने लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए। थिंग इज दैट कि आपको ये दो बात हमेशा याद रखनी है। स्कैन कॉपी के बेस पे आपका इवोल्यूशन हो सकता है कि कोई कंट्री की कोई यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में आप परमिशन दे सकती है, या तो फिर कितने एक्स्ट्रा आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वो सारी चीज़ें प्लीज़ रिटर्न फॉर्म में ही मंगवाइए आपके नाम से, आपके पासपोर्ट नंबर से, ताकि आपको पता चले जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पर कौन से ईयर में आपको एडमिशन मिल रहा है और कब से आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। एक्स्ट्रा पेमेंट भी मांग रहे हैं जैसे उन लोगों ने बताया कजाकिस्तान वाले ने। तो देखिए, ये सारी चीज़ें पहुंचने से पहले डायरेक्टली कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर जिसके भी थ्रू जा रहे हैं उनके थ्रू पूरा कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मेरे थ्रू कहीं पे ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो मेरे लेटर पेड पे लिखी हुई चीज़ नहीं वैलिड है। बेटर है कि आप मुझे बोले कि आप यूनिवर्सिटी से लिखवा के दीजिए मुझे कि मुझे कौन से ईयर में स्टडी मिल रहा है, मुझे कितना पेमेंट करना है, कितनी फीस पे करनी है एंड ऑल द थिंग्स। बहुत सारी जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन सी द नंबर्स, और ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स, और एडमिशन या तो फिर ट्रांसफर के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थिंग इज दैट रिमेंबर टू थिंग, नंबर वन स्कैन कॉपी से क्या हो सकता है, दैट्स इवोल्यूशन ओनली, और एडमिशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं भी ट्रांसफर ले रहे हैं आप तो जाने से पहले या फिर वीज़ा लगवाने से पहले आप यूनिवर्सिटी को बताइए कि आपको ओरिजिनल लेटर जो है वो भेजे, ताकि आपको पता चले कि कौन से ईयर में आपको एडमिशन मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।